हेलो गाइस, स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। कैसे हो आप लोग? तो फाइनली हम लोग हॉलिडे इन में एंटर कर चुके हैं और हम रूम वगैरह ले चुके हैं। रूम टूर देखना है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी आप लोग को दिखाएंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर स्विमिंग करने, क्योंकि गाइस गांव में स्विमिंग करो तो पैसा लगता है, यहाँ पे फ्री में ही स्विमिंग हो रहा है। तो आदि बोल रहा है कि हम चलो दो तीन बार स्विमिंग करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी मतलब बुक किया है हमने तो उस बुकिंग में ही इंक्लूडेड है कि स्विमिंग, जिम ये सब फ्री है, ब्रेकफास्ट वगैरह। तो सबसे पहले चलते हैं स्विमिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग नहीं कर पाए थे आईटीसी रॉयल में, और यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है क्योंकि वहां पे बंद था, यहाँ पे ओपन है। yes. तो फटाक से चलते हैं, पहले स्विमिंग करके आते हैं, फिर इस वाले 5 स्टार होटल का भी आप लोगों को रिव्यू देते हैं। उस वाले 5 स्टार का रिव्यू और टूर आप लोगों ने रोली के ब्लॉग में देखा था। बाकी चलिए यहाँ पे चलते हैं और आप लोगों को स्विमिंग के बाद लेके आते हैं और यहाँ का टूर कराते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। चलो फटाफट से चलते हैं। कार्ड लिए हो? वहाँ पे है, गेट पे ले लो। तो गाइज अभी फाइनली हम लोग आ गए हैं लिफ्ट में और फटाफट से चलते हैं 6th फ्लोर पे, और वहां पे है स्विमिंग। और स्विमिंग से गाइज एयरपोर्ट का भी नजारा दिखता है, सुभाष चंद्र फ्लाइट वहां से यू जाती रहती है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लॉग में, तो बने रहो एंड तक। तो गाइज फाइनली हम लोग जल्द ही पहुंचने वाले हैं स्विमिंग में। अभी जिन कहा कि भैया हम स्विमिंग कहीं छोड़ दे, हम जाना थे तो सबसे मिल के है, लेकिन हम सब जब ओकर पैसा दे रही थे ओके यूज कर ले, कार्ड लगा के लगाओ, कार्ड मैंने रख दिए पॉकेट में। क्या फाइनली हम लोग आ गए हैं 6th फ्लोर पे स्विमिंग करने के लिए, और यहाँ से गाइस काफी पास में है एयरपोर्ट। ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा, आप लोगों को दिख जाएगा। ये यहाँ पे काफी सारी फ्लाइट्स खड़ी हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने ही व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है जो कि एयरपोर्ट का है। और चलिए अभी फटाफट से हम लोग स्विमिंग करते हैं, मतलब थोड़ा सा नहाते धोते हैं, वैसे भी सुबह से अभी नहीं नहाए दो लोग। तो ये देखिए यहाँ पे रोली है जो कि अपना स्टोरी वगैरह लगा रही है, और यहाँ पे मैं हूँ, ये हमारा प्राइवेट स्विमिंग पूल। ये तो चलो देर नहीं करते हैं, फटाक से टी शर्ट निकालते हैं और झमाक से कूद जाते हैं। तो गाइज फाइनली अभी हम लोग पूल में घुस चुके हैं, और यहाँ का पूल गाइज बहुत ही मस्त है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग आईटीसी रॉयल में नहीं जा पाए थे पूल में, और यहाँ पे आने को मिला तो बहुत ही मजा आ रहा है। वहाँ का तो और भी अच्छा था क्योंकि रिव्यू वगैरह हमने देखा था, बारिश की वजह से पूल ऑन नहीं था। और यहाँ पे देखिए एक एक मिनट पे एक एक फ्लाइट उड़ रही है, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत ही नज़दीक था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं बैक कैमरा किया हूँ, पता नहीं ये फ्लाइट दिख रही है आप लोगों को कि नहीं, अब आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट एकदम क्लोज से जा रही है। और यहाँ पे है रोली गाइस, देखिए खूब इंजॉय कर रही है। तो एक गेंदा जैसा है ही, इसको तैरने की जरूरत है नहीं, बस इसी में ऐसे लटके रहो, तैरते रहो। तैरने के लिए इसमें टायर रहना चाहिए था ना। हाँ, लेकिन गाइस जिम वाले में बैलून था, यहाँ से वहाँ तक जा लेती हूँ। चलो जाओ दिखाओगे? हाँ चलो देखो, चलो दिखाओ। चलो ये गाइस आई एम गोइंग, देखो शाबाश बहुत सही, शाबाश बस। हाँ यार, तैर तो ली बस। थोड़ा बहुत और इंजॉय करते हैं, मतलब नहा लेता हूँ मैं, ब्लॉग के ही चक्कर में पड़ा हूँ अभी, आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मेन चीज़ ये है। तो फटाक से मैं थोड़ा बहुत और तैर के या फिर नहा वहा लेता हूँ और चलता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ। तो वीडियो में आप लोग इन तक बने रहो, मैं यहाँ पे अपना फ़ोन रख देता हूँ और हम दोनों फटाफट से नहाते हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग का नहा धो के हो गया और स्विमिंग में तैर भी लिए, मज़ा भी खूब आया। और यहाँ से गाइज काफ़ी सारी जहाज हम लोगों को दिखी, हवाई प्लेन जो कि उड़ता हुआ नज़र आया हमारे स्विमिंग पूल के ऊपर से ही गया। और वहाँ पे देखिए जो मैं एयरपोर्ट दिखा था, एक जहाज उड़ती नहीं कि एक जहाज आ जाती है, इंटरनेशनल है तो वहाँ पे तो आना जाना लगा ही रहता है, बट देखने में मज़ा आ जाता है। और फ़ोटो वगैरह मैं कुछ क्लिक किया हूँ, वो फ़ोटोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाना है, जिसके लिए मैं लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमें मिला था होटल रूम वाला शूज़ जो पहनने के लिए, वो तो गाइज मैं गीला कर दिया, क्योंकि गाइज मेरा जो शूज़ था वो पहन के मैं आता तो वो भीग जाता, तो मैं सोचा यही फ्री वाला ही पहन लेता हूँ। चलो अब नीचे जा रहे हम लोग इधर से ही। तो गाइज आईटीसी रॉयल बंगाल में हम लोग रुके थे लगभग 2 दिन, और ये आज 3रा दिन है, हमने वहां से चेकआउट कर दिया और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे हॉलीडे इन में,
ये भी 5-star होटल है, वहां के कंपैरिजन में और यहां के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। फिलहाल आप लोगों ने देखा कि स्विमिंग पूल वगैरह हम लोग जाके आ गए, वहां पे बहुत ही अच्छा लगा, वहां पे हम लोग ITC रॉयल बंगाल में नहीं जा पाए थे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड देखते हैं, वहां का आप लोगों ने रिव्यू देखा होगा जो कि रोली ने दिखाया था, मैं यहाँ का दिखा देता हूँ आप लोगों को। लेफ्ट साइड जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें काफी सारे हैंगर्स वगैरह दिख जाते हैं और नीचे हमें मिल जाता है इनडोर के लिए शूज टाइप का कुछ, मतलब जो भी फुटवेयर वगैरह है। और यहाँ पे मिलता है हम लोग को शूज पॉलिशिंग के लिए, मतलब शूज शाइनर है, जैसे कि अगर चमड़े का शूज पहनते हैं तो उस पर रगड़ने के लिए। और यहाँ पे मिल जाती है एक और, मतलब उसमें भी हम लोग को 5-star होटल में मिली थी, यहाँ पे भी मिल रही है। एक लॉकर मिल रहा है आपको, सेफ्टी लॉकर, तो यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे स्टोरेज काफी सारा है, यहाँ पे भी स्टोरेज है और यहाँ पे भी स्टोरेज है। अगर आप अपना जैसे कपड़े वगैरह अगर आप सुखवाना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि मैं लॉन्ड्री वाले को धुलवाने के लिए दे दूं, तो यहाँ पे कुछ चार्जेस लिखे गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे शर्ट के आइटम्स हैं जिसका प्राइस लिखा गया है, अगर आप लॉन्ड्री कराते 170 रुपये लगेगा और प्रेसिंग कराएंगे तो 85 रुपये, ऐसा कुछ चार्ज है। इस हिसाब से काफी सारे 165 रुपये चार्ज है, सॉरी, तो इस हिसाब से काफी सारे चार्ज है। और यहाँ तक कि आपके अंडर गारमेंट्स भी धुले जाएंगे और सुखाए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। देखिए अंडर पैंट है और अंडर शर्ट है, इसका भी आपको यहाँ पे फैसिलिटीज मिल जाएगा। और उसके बाद सेम प्रोसेस इसमें भी है कि यहाँ पे की लगती है, फिर लाइटें ऑन होती है। फिर राइट साइड जब हम आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा कमोड दिया गया है और यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर जिसमें आप अपना थोबड़ा देख सकते हैं, और यहाँ पे एक जूम लेंस वाला मिरर देखने को आप लोगों को मिल जाएगा, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे आएंगे अगर हम लोग इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे बाथ एरिया दिया गया है जो कि एकदम पूरा फुल ग्लास में दिया गया है, उसमें तो कुछ टेक्सचर था, इसमें एकदम प्लेन दिया गया है और इसको बंद करते ही ये ढक जाता है, आर पार हम नहीं देख सकते। और उसमें था कि हम पूरा ऐसे ग्लास में आर पार देख सकते थे। फिर यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड आते हैं तो थोड़ा सा स्टोरेज दिया गया है जिसमें हमने अपना बैग रखा है। यहाँ पे हमने बैग रखा है क्योंकि हमें सुबह निकलना है, शाम हो गई है, हम लोग जब स्विमिंग पूल में गए थे तब दोपहर में गए थे, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सेम उसी तरीके का कुछ है बट उतना अच्छा नहीं है। मेरा गाइस जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को बता दूं, वो लास्ट में बताता हूँ कि वहाँ का ज्यादा अच्छा था कि यहाँ का। देखिए यहाँ भी हम लोग चाय वगैरह इसमें बना सकते हैं, अपना कॉफी पी सकते हैं, काफी वैरायटी की चाय वगैरह दी गई है। और हमें मिलता है अमूल का मिल्क पाउडर, वहाँ पे अमूल का दूध मिलता था इतना, यहाँ पे मिल्क पाउडर मिल रहा है बट दूध नहीं, ठीक है, पाउडर ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मिलती है फ्रिज जिसमें रखे गए हैं कोक, स्प्राइट और कुछ सोडा वगैरह, ये भी पेड है जब आप पियोगे, और ये भी पेड है गाइज यहाँ भी। और कुछ 3-4 पानी बॉटल दिए गए थे जिसमें से 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 1 मैंने वहां पे रखा है। इस साइड देखेंगे तो फिर से थोड़ा सा स्टोरेज और टेबल मिल जाएगा, 2 लैंप है बेड के साइड में, और इस साइड एक है टीवी जिसको हम लोगों ने नहीं चलाया क्योंकि नेक्स्ट वाले 5-star होटल में हम लोग टीवी चलाए थे तो ज्यादा करके बस वही पूरे होटल का व्यू दिखा रहा था, बाकी सारे चैनल पेड थे। और यहाँ पे आप लोगों को मिलता है एक बड़ा सा ग्लास जिसमें आप अपना थोबड़ा बाकी पूरी बॉडी देख सकते हैं, ठीक है। और आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये है मुरमुरा, ये बंगाली मुरमुरा है कुछ, इसको खाएंगे अगर हम लोग तो इसकी प्राइस है 70 रुपये बट खाते हैं तो इसका 145 रुपये हमें देना है, ठीक है। और ये है बिंगो जिसको रोली ने 1-2 तो खा लिया, 1-1 बचे हुए हैं। और यहाँ पे हमें मिल जाता है नट्स यानी कि काजू थोड़ा बहुत, इसको भी अगर हम खाते हैं तो 150-250 रुपये कुछ चार्ज है। और इसको अगर हम स्कैन करते हैं तो हमें डिनर की जानकारी मिलती है, और अगर इसको हम स्कैन करेंगे तो हमें ब्रेकफास्ट की जानकारी मिलेगी, नहीं उसको स्कैन करेंगे तो ये सब की जानकारी मिलेगी। अच्छा, मतलब इसको हम लोग स्कैन करेंगे तो हमें स्नैक्स की जानकारी मिलेगी, ठीक है। कितने का? यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं, और कॉल कहाँ कर सकते हैं, देखिए बेल्ट एक्स पे कर सकते हैं, ऑपरेटर पे कर सकते हैं, इन रूम डाइनिंग पे कर सकते हैं, हाउस कीपिंग पे कर सकते हैं। और नीचे रखा गया है डस्टबिन, यहाँ पे हम कुछ लिख पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा फिर से अगेन आईना दिया गया है, और इस साइड है हमारा लग्जूरियस बेड, देख सकते हो आप लोग। मैं तो जाते टाइम पूरा इधर उधर कर दूंगा वैसे आप लोग मत करना। और इधर भी मिल जाता है हमको एक फोन और चार्जर और यहाँ पे रिमोट वगैरह रखने के लिए। और यहाँ की गाइस पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, पता नहीं क्या टेक्सचर है, अलग ही है, और क्या बनाया गया ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है किसी बच्चे को दे दिया ऐसे ऐसे वो पोत पात के कुछ भी कर दिया गया है। और यहाँ पे हम अच्छे से बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं,
और इस साइड का जो व्यू है गाइस वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे तो रात हो गई है, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा दिखने वाला है, बट देखिए इस साइड का व्यू देखिए, दिख नहीं रहा होगा, मुझे लग रहा है कि कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, मैं सुबह के टाइम में आप लोगों को जरूर से दिखाऊंगा। बाकी यही सब है, और मैं बता दूं तो वहां से एसी भी चलता है, रूम का टेम्परेचर वगैरह सब आप यहां से चेक कर सकते हो। देखो यहां से आप अपने रूम का टेम्परेचर और एसी अभी फिलहाल बंद किए हैं हम लोग, तो यहां से एसी का ऑन कर सकते हो, उसका फैन तेज कर सकते हो, एसी का मतलब टेम्परेचर कम कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे हैं, बस यही सब है। और मुझे वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ की बात कुछ अलग थी और यहाँ की बात कुछ अलग है। वहाँ का व्यू भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और यहाँ का उतना ज्यादा व्यू। तो प्राइस भी तो वहाँ 12,000 था, यहाँ 7,000 है। प्राइस के अकॉर्डिंग आधा है कि यहाँ पे आधा ही है, 7,000 ही है, 8,000 ही है, जैसा आप डाइनिंग या फिर ब्रेकफास्ट वगैरह ऐड कराएंगे उस हिसाब से प्राइस है, और वहाँ पे तो 10-12 हजार रुपए लगे थे, उस हिसाब से अच्छा है। बट खाने के मामले में अभी हम लोग जो मंगाए थे, बिरयानी मंगाई थी रोली, बट उतना अच्छा टेस्ट नहीं था। सुबह के टाइम में मैं बताऊंगा कि ब्रेकफास्ट कितना अच्छा है कितना नहीं। वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट में सारे चीज थे जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या वो सारी चीजें यहाँ पे भी हैं या नहीं। तो आगे का वीडियो देखने के लिए व्लॉग में एंड तक बने रहो। अभी फिलहाल नाइट हो गई है तो हम जा रहे हैं सोने। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितने बज रहे हैं, क्योंकि हम लोग गाइस जब स्विमिंग पूल में नहाए उसके बाद गए थे वहां पे इको पार्क से घूम के आए, फिर मॉल गए थे, मॉल से घूम के आए, फिर खाना वगैरह खाए, अभी जा रहे हैं सोने। सुबह की हमारी फ्लाइट है तो जल्दी से सो जाते हैं। मैं टाइम आप लोगों को दिखा देता हूँ, 1:54 हो रहे हैं, मतलब 2 बज रहे हैं, हमें सुबह 5-6 बजे उठना है क्योंकि हमारी 9:40 की फ्लाइट ही है और यहाँ से एयरपोर्ट लगभग 3 किलोमीटर है। तो चलो फटाक से सोते हैं, मिलते हैं सुबह। गाइस यहाँ पे भी आपको लाइन से ही रूम मिल जाएगा, जैसे हम लोग रॉयल में थे आईटीसी रॉयल में, तो यहाँ पे भी ऐसे रूम नंबर देखो लाइन से, और सारे रूम ऐसे लाइन से ही रहेंगे। बाकी अगर आप कॉल करते हो तो आपके रूम में डाइनिंग भी आ जाता है और हाउस कीपिंग के लिए भी ऐसे आ जाते हैं, क्लीन कर देते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो। स्वागत है आपका मैम। और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे देखने के लिए कि बुफे एरिया किधर है, और उसके अलावा जिम वगैरह है। पूल पे तो हम लोग गए थे बट अभी वहाँ का सीन नहीं लिया हम लोग ने, जल्द ही लेंगे। और यहाँ पे लिफ्ट भी जब आपके पास कार्ड रहेगा तभी ही वर्क करेगा, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हो। आप लिफ्ट के अंदर जाओगे बटन कोई काम नहीं करेगी जब तक ये कार्ड आप प्रेस नहीं। हाँ अभी हम लोग दिखाएंगे आपको, तब तक वो काम नहीं करेगा। अभी लिफ्ट आ रही है तो मैं आप लोगों को, वो जल्दी आएगी ये। लेकिन कोई रुका कोई है अभी फर्स्ट पे, जल्दी से आ जाए, मुझे लग रहा है यही आएगी। चलो फटाफट से चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इंक्लूड कराया है मतलब अपना ब्रेकफास्ट वगैरह, वो सुबह में दिखाएंगे, बट इस टाइम हम लोग जिम जा रहे हैं। अभी आप लोगों को जिम का टूर कराते हैं, बाकी और एरिया का भी टूर कराते हैं, फिर चलेंगे हम लोग स्विमिंग के साइड भी। इस यहाँ पे हम लोग जिम में एंट्री कर दिए हैं, ये है जिम, और इस समय कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, इवन मैं भी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ जबकि मैं मोटी हूँ। ये सब आप पी सकते हो, इसके कोई चार्जेस नहीं है। जिम भी आप यूज कर सकते हो, इसके भी कोई चार्जेस नहीं है। दोपहर का टाइम है, अभी कोई जिम का टाइम तो है नहीं बट मैं 12 किलो का डंबल एक मार के देखता हूं। लेकिन ऐसे नहीं करते हैं, एक ही बार में 12 उठा लो शुरुआत। अच्छा, 2 किलो वाला उठाऊं क्या फिर? और गाइस यहाँ से देखो कुछ ऐसा नजारा है, सामने भी बिल्डिंग ही दिख रही है अभी, सही है देखो। ये तो मेरा वाला उठा लिए, बाकी आप काफी यहाँ पे क्रंचेस मार सकते हो। ये साइकिलिंग मशीन है क्या दी? अच्छा, पैर डाल के इसमें ऐसे कर सकते हो, ये देखो ऐसे। कैलोरी कितना बर्न होगी, हर एक चीज यहाँ पे बताएगा। ये सब की जरूरत मुझे है। बता दो, जो हम लोग आईटीसी रॉयल वेस्ट बंगाल वाले में थे उसकी बात ही अलग थी, बहुत लग्जोरियस था, है ना आदि। बाकी ये भी 5-स्टार होटल ही है बट ये उतना मजेदार नहीं लगा हमको, रूम के मामले में भी और काफी चीज के मामले में, बट वो बहुत अच्छा था। ये देखो ट्राई कर रहा है कि चलेगा कैसे, स्पीड बढ़ाओ। देखा इस तरह इतना तेज भागे लगा, गिर पड़ा बाहर से।
फास्ट करो थोड़ा।